Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. In this episode, we will talk about meditation, which is something known as in Sanskrit and Hindi, Dhyan. What is Dhyan? We will try to understand, because there are so many methods which are prevalent in disciples of so many gurus. So in some system they say this is Dhyan, this is meditation. In some other system, okay, it is just the opposite. Okay, so we will try to explore what actually is the meditation or Dhyan. Sarvaj, yogic science mein Dhyan hai kya? Kyunki Dhyan ki vajah mein bahut sari misdharanaye aajkal prachalit hai. Ek guru ek vidhi batata Dhyan ki, dusra guru kehta ki nahi, wo vidhi से तो आप यहाँ तक पहुँचोगे, ये वाली विधि जो है ये ज़्यादा कारगर है, ये आपको बिल्कुल आपको अपने मूल तक पहुँचाएगी या आत्मज्ञान कराएगी. एक गुरु कहता है नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना करना ही ध्यान है. कुछ ना करना ही ध्यान है, ना करना ही ध्यान है, ना करना ही ध्यान है. एक गुरु के पास जाओ, कहे नहीं आप करोगे नहीं तो होगा क्या, बिना करे तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो बहुत सारी धारणाएं हैं इस ध्यान के बारे में. क्या है ये एक्चुअली इसमें? अगर आध्यात्मिक लाइन में योगिक विज्ञान की तरफ से हम ये चीज़ को ध्यान की तरफ देखें, तो मूल सिद्धांत में हम आ जाएं सबसे पहले कि ये जगत जो है नाना प्रकार है. तो नाना प्रकार होने के वजह से इसमें नाना प्रकार के तरीकों से ध्यान किया जा सकता है. तो इसमें उन गुरुओं की बात सही मान लेनी चाहिए कि जो अनेक प्रकार से अपनी अपनी विधि में कामयाब हुए हैं और वो उनकी रास्ते अनेक प्रकार से हुए, तो नाना प्रकार की वजह से, नाना प्रकार विधियों से वो लोग कहीं न कहीं कामयाब हुए हैं, ये चीज़ भी मान लेनी चाहिए. और इसका फ़ायदा भी होता है, क्योंकि धारणा बहुत बड़ी चीज़ है. अगर हमने कोई चीज़ धारण कर ली, और धारणा हमारी बन चुकी है कि हमने इसी से फ़ायदा होना, तो चाहे भले ही उससे देर में फ़ायदा होगा, मगर उससे फ़ायदा तो होता है. ये तो एक सिद्धांतिक जगत की एक प्रक्रिया है. मगर ध्यान के लिए जितने भी तरीके अपनाए गए हैं, या चाहे सांस की प्रक्रिया हो, चाहे आप मन को भगाने की प्रक्रिया हो, चाहे मन को आप ठहराने की प्रक्रिया हो, चाहे आप किसी चीज़ की प्रक्रिया हो, चाहे आप ध्यान लगाने के लिए कहीं जल में समाधि ले ली हो, चाहे आप अग्नि के बीच में बैठ गए हों, किसी तरीके की भी हो सकती हैं. तो ये नाना प्रकार की चीज़ें हैं, मगर अल्टीमेटली एक ही चीज़ पे जाना पड़ेगा कि जितने भी तरीके हैं ध्यान के, ये भौतिक तरीके नाना प्रकार के हैं जो ये ध्यान की अवस्था को कारगर करते हैं, या ध्यान की अवस्था को एकाग्र करते हैं. मगर जब ध्यान की अवस्था किसी भी नाना प्रकार के किसी एक प्रकार से एकाग्र हो जाती है, तब वो जो ध्यान है वो एकाग्र होने के वजह से वो ध्यान अपने इस भौतिक जगत से हट करके और वो जाकर के अपने आध्यात्मिक की ओर, अपने ही शरीर के अंदर वो अपने ही उसमें ध्यान जाकर के अपने मूल में ऐसा परिवर्तित होता है कि वो स्वयं मूल हो जाता है. और वहाँ कोई ध्यान या मन या कोई भी चीज़ या सारी आपकी जितने संसार के भौतिक पदार्थ हैं या भौतिक तरीके आप कह रहे, सारे तरीके उस जाकर के अपने मूल में, जो मूल है उसमें सारे सिद्धांत उसमें जाकर के समाहित होकर के और मूल हो जाते हैं वह, क्योंकि मूल के अलावा कुछ नहीं है. जो जीवात्मा परमात्मा आत्मा है, ये इनके सिवाय और कुछ है नहीं. तो इसलिए वो वहाँ पे सारे के सारे ध्यानस्थ हो जाते हैं. तब जाकर के इस ध्यान को ये अनुभव में आता है कि देखो अब समझ में आया कि किसका ध्यान होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तब ये बात समझ में आ जाती है. मगर ये जो ध्यान से हमने जो हासिल किया है, ये हमारे किसी काम का नहीं है. क्योंकि ये हमारे शरीर, हमारे समझ में, हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारी नज़र में, हमारी हमारे सारे प्राणों में, हमारे सारे शरीर में, इस तरीके से इसने
सिद्धांत ने जो जिसे हम आत्मा आत्मा कह रहे हैं, ये इस तरीके से हमारे शरीर में इसने एक सिद्धांत बना लिया कि ये हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह अगल बगल घूमती है, ना तो ये आत्मा खाने के काम आ रही है, ना ये कोई पैसा दे रही है, ना ये कमाने के काम में रही, ना इसमें कोई काम किया जा सकता है, तो ये काम की तो है नहीं, वो तो भौतिक, मगर हमें तो भौतिक में अब रहना है ना। हाँ, भौतिक में के हिसाब से तो ठीक है, नहीं कुछ काम का नहीं, किसी काम का नहीं, मगर हमें तो हमारा जीवन पुनः ध्यान से हम जैसे ही हटेंगे अपने स्वरूप से वापस आएंगे तो हम तो आएंगे तो भौतिक में, तो हम भौतिक में आएंगे तो ये जितने हमने जो ध्यान की प्रक्रिया करी थी या जो कुछ किए थे, जितनी मेहनत करी थी, अल्टीमेटली रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला, रिजल्ट तो यही निकला कि ये जो आत्मा परमात्मा जीवात्मा ये जो समझ में आए हैं ये तो एक चिपक गए हमारे को। कभी ना कभी भौतिकता तो खत्म होगी मरने के बाद, उस समय का नहीं भौतिकता असलियत में क्या है कि वो व्यक्ति किसी भी मन बुद्धि चित्त से उस चीज से उबर नहीं पाता है, तो भाई मरेंगे नहीं मरेंगे तो वो चीज तो सामने रहती है, नहीं मेरे तो वो मरेंगे तब भी तो सामने रहेगी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ध्यान करता है और वो अपनी मूल स्थिति में पहुंच गया है ठीक है, पहुंच गया, तो वो जो मूल स्थिति में उसका पहुंचना है ठीक है, तो जैसे वो भौतिकता उसकी कम होती है ठीक है, चाहे मरने के बाद कम होती है, जीते जागते कम होती है ठीक है, और वो आध्यात्मिकता में पहुंचता है, मीन्स अपने मूल स्थिति में तो है ही, मूल स्थिति में है, वो है। तो मूल स्थिति से न भटकना वो तो एक तरीके से उसकी एक उपलब्धि है ना। वो तो मैंने ये बात कही कि वो तो कैंसर की तरह पीछे पड़ी हुई है। हाँ। वो जो आपके जीवात्मा परमात्मा है जो उसका अनुभव है वो आपके कैंसर की तरह चिपका हुआ, मगर है किसी काम का नहीं, तो यहाँ तो रोटी खानी है तो उसके लिए कुछ करना है, रोटी खाने के लिए तो काम कुछ करना ही है, काम का नहीं है, मगर वो चिपकी हुई संग में, मगर आदमी के अंदर ये जो मतलब कि जो लोग रोटी खा रहे हैं उनको जो कुछ सब कुछ मिल रहा है फिर भी उनको इतनी चिंता है, इतनी परेशानी है, पागलपन है ठीक है, बात बात पे मतलब कि चिंतित हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया ठीक है, ये सब सारी चीजों से छुटकारा नहीं, इसमें उसमें बस एक ही चीज हर समय तय होती कि जो सामने से एक क्रिया और प्रतिक्रिया जो प्रतिक्रिया हुई है या सामने से जो आपके हित में या अनहित में कोई चीज सामने से आई है तो उससे बहुत जल्दी वो व्यक्ति अपने को फटाफट उबार लेता है उससे, ये तो अचीवमेंट है ना। हाँ, उसे उबार लेता है, ये तो बहुत बड़ा फायदा हो गया। हाँ नहीं, ये फायदा इसको फायदा कहा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, बहुत जल्दी उबार लेता है इसलिए क्योंकि वो सारी स्थिति को भौतिक स्थिति देख करके इनसे निपटा करके इनको ज्यों का त्यों वहाँ छोड़ करके ना अपनी स्थिति में वापस आके वो जल्द वापस आ लेता और आकर के ये डिसाइड कर लेता है कि ये तो आत्मा में सब कुछ हो रहा है, इसके अलावा आत्मा के सिवा कुछ है नहीं, चलो करो करो करो। क्योंकि आजकल जो दिक्कत है वो भौतिकता की दिक्कत तो है नहीं, आज लोगों के पास ज्यादा मीन्स पैसा है, साधन है, हर चीज़ ज़्यादा है ठीक है, तो वहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लोगों को दिक्कत सारी अंदरूनी है, जो मानसिक प्रॉब्लम है ठीक है, लोगों के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लाइफ क्या ये नहीं पता लोगों को ठीक है, तो इस वजह से हमेशा चिंतित रहेंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे ठीक है। आज की तो ज़रूरत है एक तरीके से देखा जाए तो, ध्यानस्थ होना और अपने मूल को पहचान लेना और उसमें स्थिति हो जाना उसकी। मगर जिसकी बात आप मूल की करते हैं कि ये मूल के पहचाने के लिए बात तो आप कर रहे हैं, मगर अगर आम जन साधारण को पूछें तो वो आदमी ध्यान इस वक्त लिए करता है कि मुझे कुछ पल के लिए शांति चाहिए। हाँ, तो मूल सिद्धांत नहीं चाहिए उसे। हाँ, शांति चाहिए, शांति चाहिए, पर किसी ना किसी रूप में वो तो ढूंढ ही रहा है। हाँ, तो वो ध्यान तो करता है सिर्फ उतना शांति के लिए, जब उसका टारगेट है शांति तो वो शांति के लिए 10 मिनट ध्यान कर लेता है और अपने 2 घंटे शांति से निकाल लेता है, बस इतना ही करता है, तो ये इतना ही करने इसलिए वो अपने मूल में नहीं जा सकता। हाँ, मगर लोगों को यदि इस तरीके से एजुकेट किया जाए कि भाई ये जो है शांति खोज ये तो एक टेम्परेरी चीज है ठीक है ना, और यदि आपको प्रमाणिक रूप से कुछ करना है ठीक है, नहीं तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए फिर बहुत मुश्किल काम है। किसके लिए? इसके लिए बहुत मुश्किल काम है कि जो प्रमाणित रूप से कोई करना चाहेगा आध्यात्मिक लाइन, तो आध्यात्मिक लाइन को पकड़ने के लिए वो जो उसके सिस्टम है, सिस्टम उसमें है ही नहीं, वो चीज वो नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक लाइन को पकड़ने के लिए सबसे मूल सिद्धांत जो उसका है वो एक ये है कि वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अपने मूल सिद्धांत को पकड़ सकता है
जो संसार की हर जगह से विवश और निर्बल हो गया हो, बलशाली नहीं हो, निर्बल हो गया हो, और वो इतनी प्रताड़ना उसे इस जगत से मिली हो कि वो जगत से एकदम उदासीन, मानसिक रूप से थक गया हो, बिल्कुल उदासीन हो, उदासीन हो कि अब ये संसार सही नहीं है, तो वहां से वो मूव कर सकता है, वहां से वो कर सकता है, वहां से वो कर सकता है, वहां से जा सकता है। जब घंटे दो घंटे के लिए शांति चाहिए तो फिर बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है कि आप इसके ध्यान करेंगे। So in nutshell, we can say that the meditation happens when one goes into his or her, you can say, the original position of his being, or the you can say the basic principles of life, right? And there are three basic principles according to the yogic science, the Paramatma, Prakriti and Jivatma. Okay, so these three principles are the basic, or they are eternal, they are not in time and space. Okay, and apart from these three principles, everything is changing, everything is transient. So the one who is involved with these transient things, okay, it means he is not meditative, he is not in meditation. And one whose state of being is involved with the three principles, he is always aware of these three principles, only he or she can be said to be in that meditative state or dhyanast, right? So until our mind, our you can say the manas, okay, it get tired of all the changeable things, all the transient things, one cannot move into the spiritual things or the three basic principles of yoga. Thank you.